राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी, गुरु के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और YouTube पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत वेरिस डिजीज पर चर्चा करते हुए आज हम एक रोग पर और चर्चा करेंगे। गतांक वीडियो में हमने कंजक्टिवाइटिस यानी आँख आना डिजीज पर चर्चा की थी, साथियों को काफ़ी पसंद आया, उसके लिए मैं साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में साथियों, आज हम आँख से रिलेटेड ही आई रिलेटेड डिजीज पर ही चर्चा करेंगे और आज की हमारी जो डिजीज है वो है निकट दृष्टि रोग, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी मायोपिया। वैज्ञानिक भाषा में, चिकित्सा की वैज्ञानिक भाषा में जो है मायोपिया इसको बोलते हैं। इस रोग में जो है साथियों, पास की चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती, यानी धुंधली वो दिखाई देती हैं। इसका कारण साथियों, जो हमारा नेत्र गोलक है, आई बॉल है, उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिससे रिफ्लेक्शन जो है रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बनने लगता है। इसमें पास की वस्तुओं को तो देखने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें क्लियर इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर जो रोशनी, जो लाइट आँखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिसे रिफ्लेक्शन, जिसे प्रतिबिंब जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु है वो हमें धुंधली दिखाई देती है, आंखों के सामने भी धुंधलापन सा दिखाई देता है। यदि इस रोग पर ध्यान न दिया जाए तो इसमें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनमें इसका खतरा जो है मायोपिया का और भी अधिक बढ़ गया है। तो साथियों, इसमें हम रीजंस की बात करते हैं, इसके कारण क्या क्या हैं। इसके अंदर साथियों तीन मुख्य कारण हैं, अनुवांशिकी, हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल यानी के पर्यावरणीय स्थितियाँ और हमारा लाइफस्टाइल यानी हमारे जीने का ढंग, हम किस प्रकार से जीते हैं, ये तीन ही इसके अंदर जो है मेन कारण हैं। हेरिडिटरी में यदि माता पिता दोनों में से किसी को भी एक ही रोग है तो उसकी होने वाली संतान में इस रोग के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल का या किसी टेबलेट का जैसे अधिक प्रयोग करते हैं और उचित दूरी से नहीं बनाकर रखते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है मायोपिया का खतरा जो है बढ़ जाता है, उनको भी ये रोग हो सकता है। सिम्टम्स में जैसे बताया है कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है, बार बार आंखें जो है, ऐसा रोगी जो है मलता रहता है कि आंखों के सामने कुछ जो है जाला आ गया है,
तो उसको रगड़ने का प्रयास करता है शीशे को, आँख के बाल को, और उसे स्पष्ट देखने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूर की चीज़ों को देखने में जो है आँखों में तनाव बनने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, और रात को जो है ड्राइविंग करने में बड़ी परेशानी आती हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है। इस प्रकार के जो लक्षण है वो वयस्कों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को, उस पर जो भी लिखा जाता है, टीचर लिखता है, उसको क्लियरली जो है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। उसको पढ़ने के लिए बच्चा बार बार आंखें मलने लगता है, और बार बार जो है उस राइटिंग पर जो है फोकस करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको वो राइटिंग जो है क्लियर स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के जो लक्षण वो बच्चों में भी होते हैं। साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में ईएसटी के अंतर्गत हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसमें? साथियों, सबसे पहले तो जो है ना खान पान का इसमें विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा भोजन, पोषक तत्वों से भरपूर, विटामिन से, मिनरल से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर जो है पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन ऐसे रोगी को करना चाहिए। और इलेक्ट्रोमोपैथी का इलाज हम जो है अपने बहुचर्चित फार्मूले हैं बीपी और बीसी, इसके साथ में हम S12 लगाएंगे और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इन सब का जो है साथियों, ये चार मेडिसिन हो गई, ये हमने D4 से 7-7 या 7.5-7 ml लेना है 30 ml में। ये 30 ml का मैं मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ। तो 7.5-7 ml प्रत्येक मेडिसिन जो है, या 7 ml ले सकते हैं आप, 28 ml आएगी। तो ये सब इकट्ठी करके एक 30 ml की खाली बोतल में डालना है। इसके अंदर पानी वानी नहीं डालना आपने, क्योंकि मेडिसिन ही अपने आप इसके अंदर जो है डली हुई है पहले से ही, तो डिस्टल वाटर पहले ही डला हुआ है इसके अंदर, तो वहाँ पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो 28 ml ले लें या 30 ml ले लें, चारों मेडिसिन का जैसे आपको उचित लगे। और इनको 20-20 बूंद दिन में 3 बार जो है रोगी को प्रयोग कराएं। दूसरा, यहाँ पर हमने आई ड्रॉप के लिए कंपोजिशन है हमारा, वहाँ पर A2, C5, S5, S12 और जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और C3 का जो है हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। साथियों, यहाँ पर जो है S12 आप जानते हैं कि आँखों की औषधि है, आँखों के सभी रोगों पर जो है ये प्रभावकारी मेडिसिन है। और A2 जो है ब्लड के सर्कुलेशन को जो है सर्कुलेट करती है, C5 टिश्यूज की मेडिसिन है, स्वेलिंग को निकालती है और जो है सेल्स को पुष्ट बनाती है। BE का भी यहीं पर यही काम है, जो है रक्त की मेडिसिन है और ये ब्लड पर अपना जो कार्य करती है, और रेटिना जो मायपिया का रोग है उसको मतलब कंट्रोल करने का जो है ये काम यहाँ पर करती है। S5 मोटर नर्व की मेडिसिन है, C5 के साथ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, तंत्रिका पर इसका कार्य है। C3 जो RBC WBC का निर्माण करती है, जिसे हमारी आई बोल है वो जो है संतुलन में आ जाती है और फोकस जो है वो रेटिना पर पूरा बनने लगता है, जिसे धीरे धीरे दृष्टि में सुधार आने लगता है। तो ये आई ड्रॉप आपने बनाना है। D3 से प्रत्येक मेडिसिन का जो है 10-10 ड्रॉप आपने लेना है और रोज वाटर में मिलाना है इसको, रोज वाटर 30 ml के अंदर इसको मिलाना है
ये ध्यान रहे आई ड्रॉप के लिए कोई भी हो, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो या फिर वो निकट दृष्टि हो या मायोपिया हो या हाइपर मेट्रोपिया हो, तो इसमें जो है आपने आरएस नहीं डालना है। इसमें डिस्टिल वाटर में बनी ही दवाइयाँ या फिर जो है आप गुलाब जल में इसको बना सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। और साथियों, हमने आई वॉश भी सुबह शाम करवाना है पेशेंट का, उसके लिए A2C5 और BE S12 ये मेडिसिन लेनी है, 4 D3 से 15-15 ड्रॉप इसकी लेनी है 30 ml में, 40 बूंद आधे लीटर ठंडे पानी में डाल करके उसके सुबह शाम छपके मरवाने हैं, ऐसे करके आँखों को वॉश करना है अच्छी तरह से। तो साथियों, इस प्रकार से कंप्लीट इलेक्ट्रोमोपैथी में यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें अच्छी खासी जो है इसमें सफलता मिलती है। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस रोग पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। अपने कमेंट्स जरूर देना। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक अपनी बुक के लिए अपनी प्रति जो है सुरक्षित नहीं कराई है, उन साथियों के लिए ये अंतिम बार रिक्वेस्ट है कि वो अपनी प्रतियाँ सुरक्षित करा लें। 30 तारीख के बाद हम फिर किसी की भी जो है बुकिंग नहीं करेंगे। 30 तारीख तक हमने देख लेना, हमारी जितनी भी बुक होंगी उतनी ही हम छपवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं छपवाएंगे। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई है तो वो 30 तारीख से पहले पहले करवा लें। तो साथियों, इसी के साथ में जो है आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।